चलिए हो रही है चाय पर चर्चा, लेकिन अपने इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे आस्था के रंग की। जी हाँ, आस्था और उत्सव के रंग आपको दिखाएंगे। दरअसल सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ये महीना भोलेनाथ की भक्ति का होता है। कहते हैं कि भोलेनाथ को सबसे प्रिय होता है ये महीना, और सावन के सोमवार को तो शिवालयों में आस्था का समंदर देखने को मिलता है। जी हाँ, देखिए सावन के इसी महीने के दौरान हमारी कोशिश यही रही है कि आपको भोलेनाथ के धाम और ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाएं। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन और दर्शन करवाते हैं सावन के तीसरे सोमवार की दिव्य भस्म आरती के। सावन के पवित्र महीने में महाकाल मंदिर की आभा देखते ही बनती है। आज सावन का तीसरा सोमवार है, लिहाजा देर रात से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सबकी एक ही मनोकामना कि बाबा की दिव्य और भव्य भस्म आरती में शामिल हो जाएं। वैसे तो पूरे सावन के महीने का हर दिन भोलेनाथ की भक्ति के लिए पवित्र माना जाता है, लेकिन मान्यता है कि सावन के सोमवार को बाबा की आराधना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। सावन के तीसरे सोमवार भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए महाकाल मंदिर के कपाट तड़के 2:30 बजे खोल दिए गए। इसके बाद विधि विधान से बाबा की पूजा की गयी। शुरुआत में पंचामृत और अनेक प्रकार के फलों से बाबा का अभिषेक किया गया। उसके बाद भस्म आरती हुई। फिर बेलपत्र, चंदन, फल और वस्त्रों से बाबा का श्रृंगार किया गया। भस्म आरती में शामिल होने के लिए रविवार रात से ही लोगों की कतारें लग गई थीं। मंदिर के पट खुलते ही पूरा मंदिर परिसर महाकाल के जयकारों से गूंज उठा। जब सुबह सुबह ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में भस्म आरती देखने का अवसर मिला, और ये शिव जी की कृपा है कि सब पे बरसती रहे, सबका कल्याण हो। मैं यहाँ आज सावन का सोमवार है, तो हम चाहते हैं कि महाकाल की कृपा पूरे देश पे बरसती रहे और सब सुख समृद्धि हमेशा रहे। श्रावण भादो मास में सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकालने की भी परंपरा है। मान्यता है कि अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए सवारी के रूप में राजा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं। आज भी हजारों की तादाद में भक्त यहां उपस्थित हुए, भस्म आरती का दर्शन कर रहे हैं। भगवान को कई सुगंधित द्रव्यों से जो सा परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार स्नान कराए गए, श्रृंगार किया गया और भगवान की दिव्य भस्म आरती की। सावन के महीने में भोले के भक्तों को एक और सौगात मिली है। नाग पंचमी के दिन नाग चंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए एरो ब्रिज बनकर तैयार है। ब्रिज के सभी सुरक्षा टेस्ट हो चुके हैं। यहां आपको बता दें कि नाग चंद्रेश्वर मंदिर महाकाल मंदिर परिसर में तीसरी मंजिल पर स्थित है। पहले मंदिर में दर्शन के लिए लोहे की सीढ़ियों का इस्तेमाल होता था, जिससे काफी समय लगता था। अब ब्रिज के बनने से भक्तों को कम समय में दर्शन हो पाएंगे। देखिए, नाग चंदेश्वर के दर्शन के लिए नाग पंचमी पर जो एक बार मंदिर खुलता है, पहले लोहे की सीढ़ियां बनाते थे हम लोग, 1-1.5 महीने का समय उसमें रहता था। बहुत धीमे धीमे उससे दर्शन हो पाते थे, लोगों को सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। इस बार हम लोगों ने एक एरो ब्रिज जो है वो एक भी दानदाता के सहयोग से बनाया है। वो एरो ब्रिज बन के तैयार हो गया है। एक बार में कम से कम 400 लोग उस एरो ब्रिज पे रह सकते हैं। दो दो लाइनें भी अगर हम लोग चलाएंगे तब भी 250 से ज्यादा अधिक की संख्या नहीं होगी। इस ब्रिज की लंबाई 91 मीटर और चौड़ाई 10 फीट है, 5 फीट आने के लिए और 5 फीट जाने के लिए। ब्रिज पर 1 करोड़ की लागत आई है। प्रशासन का अनुमान है कि 2 अगस्त को नाग पंचमी के दिन 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आ सकते हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
महाकालेश्वर के बाद अब बात देवघर के विश्व प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम की, जहां सावन के तीसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जी हां, अनुमान है कि आज लगभग 3 लाख श्रद्धालु बाबा के जल अभिषेक के लिए पहुंचेंगे। यही वजह है कि यहां सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है और दूसरे सोमवार से भी ज्यादा पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। भगवान शिव का प्रिय महासावन और आज है सावन का तीसरा सोमवार। सावन में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। श्रद्धालु इस महीने भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भारी संख्या में शिव मंदिरों और ज्योतिर्लिंगों पर पहुंचते हैं। झारखंड के देवघर में भी इस बार श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। बाजार सजे हुए हैं, पूरी बाबा नगरी बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठी है। बताया जा रहा है कि आज 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शनों और जलाभिषेक के लिए आ सकते हैं। अनुमान जो हम लोग तीनों डिस्ट्रिक्ट से जो कोऑर्डिनेट करके देख रहे हैं, वो लास्ट मंडे जो था 2.7 लाख अपवर्ड्स था और उससे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे 25-30% मोर। तीसरे सोमवार पर तड़के ही बाबा बैद्यनाथ के दर पर श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे। भोले के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु रविवार रात से ही लाइन में लगे हुए हैं। लगभग 15 किलोमीटर लंबी लाइन लगी, सबको है बस बाबा के दर्शनों की आस। अब हम हर सोमवार को तो पूजा करने आ रहे हैं यहाँ बाबा मंदिर में, डेली अच्छे से पूजा हो रही है मेरी। मंदिर में आकर प्रेरणा के बहुत खुशी मिला, बहुत अच्छा बढ़िया तरह से पूजा भी किए। हम लोग आए बहुत सिलीगुड़ी से आए हैं, हम लोग नॉर्थ बंगाल से। सुंदर व्यवस्था में हम लोग आए हैं, बहुत सुंदर से पानी डाले हैं। सावन महीने में बाबा का जल देने से 100 गौ का दान जितना होता है उतना फल होता है। बाबा साहब कुछ नहीं मांगे, बाबा से बस बोले बाबा हर साल हमको बुलाइए यहाँ पे, हर साल हमको दर्शन करने के लिए बुलाइए, बस यही मन में इच्छा है, और क्या मांगेंगे। बोल बम हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय शिव। तीसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं के भारी संख्या में पहुंचने के पीछे कई मान्यताएं भी हैं। माना जाता है कि सावन महीने में हुए समुद्र मंथन के दौरान कौस्तुभ मणि तीसरे सोमवार को ही प्राप्त हुई थी, इसलिए तीसरे सोमवार पर जो बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं उन्हें मनवांछित फल मिलता है। साथ ही आज तीसरे सोमवार के साथ पंचमी तिथि होने के चलते भी श्रद्धालु भारी संख्या में उमड़े हैं। आज का तिथि जो है वो मणिमुक्ता मन धन वैभव ऐश्वर्य सभी प्रकार के सुख और संपदा से परिपूर्ण है। यदि आप आज सोमवार को भगवान शंकर का जलार्पण करते हैं तो जलार्पण नियमानुसार करें, शांतिपूर्वक करें, भीड़ अपार है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यहां दूसरे सोमवार से भी ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को बिना दिक्कत बाबा के दर्शन हो सके। इतनी सोमवारी है इस वर्ष की तो स्वाभाविक है भीड़ काफी बढ़ेगी, इसको देखते हुए हम लोगों ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हुए हैं और पिछली 2 सोमवारियों में जो हम लोगों को अनुभव हुआ है उसके अनुसार और अतिरिक्त बल की भी व्यवस्था की गई है। श्रद्धा और भक्ति से सराबोर ये शिव भक्त शिवालयों में उमड़े हैं। सावन माह में अपने लिए सुख समृद्धि का फल पाने सबको एक ही उम्मीद है कि बाबा से सावन के सोमवार पर जो भी मांगा जाएगा बाबा उनकी झोली भर देंगे। शैलेंद्र मिश्रा, देवघर, गुड न्यूज टुडे। आस्था के रंग आपने देख लिए, अब उत्सव की उमंग भी देख लीजिए। हरियाली तीज एक ऐसा पर्व जिसे देश के कई हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान में इसकी बात ही निराली होती है। बिल्कुल अदिति, हरियाली तीज के मौके पर जयपुर की सड़कों पर ऐसा नजारा दिखाई दिया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। हाथी घोड़ों और ऊंट की भव्य सवारी निकाली गई, विधि विधान के साथ पूजा हुई और पूरी शान से देवी की सवारी निकाली गई। जयपुर की सड़कों पर उत्सव का ऐसा रंग बरसों बाद जमा है। इस उत्सव में हाथी भी हैं, ऊंटों की सवारी भी बड़ी शान से निकल रही है। यहाँ राजस्थानी नृत्य की रौनक है और परंपराओं के इन रंगों के बीच तीज माता की सवारी बड़ी धूमधाम से निकली।
जयपुर में तीज माता को कुछ इस तरह सोने के आभूषणों से सजाकर और चांदी के रथ में बैठाकर जयपुर की सवारी कराई गई। हर साल तीज माता ऐसे ही सिटी पैलेस से निकलती हैं और शहर की सैर करती हैं। इस दौरान मां गड़ियार लोक गायन मयूर डांस और राधा कृष्ण की झांकी का रंग भी जमता है और साथ में सैकड़ों कलाकारों का ये डांस इस सवारी के शान में चार चांद लगा देता है। बेहद खुशी है कि आज हम वापस दो साल बाद इतने रॉयल तरीके से तीज का त्यौहार मना पा रहे हैं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही जोश है, लोगों में बहुत उत्साह है, बड़े बुजुर्ग सभी एज ग्रुप्स के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये शाही तीज की माता की जो सवारी है, सिंधारा और तीज का जो महोत्सव है, सभी बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। जयपुर में हर साल निकलने वाली तीज की सवारी को देखने के लिए देश दुनिया से लोग पहुंचते हैं। परंपराओं के मुताबिक साल में दो बार तीज और गणगौर की प्रतिमा को सिटी पैलेस से निकाला जाता है। राज परिवार से जुड़ी महिलाएं तीज माता की पूजा करती हैं, जिसके बाद माता खुद लोगों को दर्शन देने के लिए शहर की सैर पर निकलती हैं। मान्यता है कि दर्शन भर से तीज माता लोगों की मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। आज ऐसे लाइव इतना पास से देखकर, दोबारा से वैसे ही हर्षोल्लास देखकर बहुत खुशी हो रही है और एंजॉय कर रहे हैं। वो दो साल जो थे वो बीत गए, लेकिन आज कुछ नई शुरुआत को देख के दोबारा से बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो तीज का त्योहार देश में कई जगहों पर मनाया जाता है, लेकिन जयपुर में इस उत्सव का रंग अलग ही होता है। यहाँ काफी पहले इस उत्सव का रंग जमने लगता है। महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाने लगती हैं और हाथियों और ऊँटों को इस पर्व के लिए विशेष तौर पर सजाया जाता है। वैसे तो जयपुर में उत्सवों के रंग की कोई कमी नहीं, लेकिन तीज के पर्व पर जयपुर के इस रंग की बात ही कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, महाकाल के दर्शन तो हो गए, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन भी आपने कर लिए और अब आपको वाराणसी लेकर चलते हैं और करवाते हैं काशी विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन। यहां भी सुबह से ही बाबा के अभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लग गई थी। लेकिन आपको बता दें, आस्था का समंदर केवल ज्योतिर्लिंगों पर ही देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि हर शिवालय में ऐसी ही भक्तिमय तस्वीर नजर आएगी। देश के कोने कोने से बाबा के भक्तों के उत्साह और उमंग की तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अद्भुत, विहंगम, विराट, ये शब्द छोटे पड़ जाएंगे। भक्ति के इस भवसागर के लिए जहां शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा है, हर तरफ भोले का जयकारा है, हर ओर बम बम भोले का नारा है। शिव भक्ति में डूबा संसार है। आज सावन का पवित्र सोमवार है। वैसे तो पूरा सावन महीना ही भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है और यही वजह है कि बाबा भोले की नगरी काशी विश्वनाथ में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भक्तों की ये कतार उनका उत्साह बता रही है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों के दर्शन पूजन के लिए खास इंतजाम किए गए। LED स्क्रीन से लेकर सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई। श्रावण माह का तृतीय सोमवार है और पिछले जो दो सोमवार बीते हैं उनसे आज अधिक भीड़ है और अत्यधिक भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए जोन सेक्टर सब सेक्टर में ड्यूटियां लगाई गई हैं। घाटों में भी जेल बैरिकेटिंग की गई है। जेल बैरिकेटिंग के अंदर ही जो है दर्शनार्थी स्नान करें। आस्था से सराबोर ये तस्वीरें प्रयागराज के मन कामेश्वर मंदिर की हैं, जहां सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर जलाभिषेक के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों का जोश देखते ही बना, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, हर कोई शिव भक्ति में डूबा नजर आया। ये बाबा अमरेश्वर का बहुत पुराना मंदिर है और आज सावन का तीसरा सोमवार है और भक्तों की लाइन लगी है। बहुत जो है सच्चा दरबार है ये, जो भी मन से मांगी है वो यहाँ पूरा होता है और यहाँ दर्शन करने से काफी जो है शांति मिलती है और काफी जो है प्रसिद्ध मंदिर है ये। पटना के मंदिर में भी इस पवित्र मौके पर भक्तों की भारी भीड़ पहुंची। श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह की तस्वीरें पटना की हैं, जहां शिव भक्त सुबह से ही बेलपत्र, धतूरा और गंगा जल के साथ शिवालय पहुंचे और भोलेनाथ का जलाभिषेक किया।
कोरोना महामारी के करीब दो साल बाद जब मंदिरों के कपाट भक्तों के लिए पूरी क्षमता के साथ खोले गए तो देश भर के शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। सावन के सोमवार पर शिव पूजा का विशेष महत्व होता है, लिहाजा देश के कोने कोने से भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे और बाबा के दर्शन कर शिव भक्ति का पुण्य प्राप्त किया। ये तस्वीरें देश के अलग अलग इलाकों की हैं, जिसमें बाबा की भक्ति में लीन भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और तीर्थ नगरी हरिद्वार में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सावन के तीसरे सोमवार पर शहर शहर माहौल भक्ति में रहा। दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग शहरों में श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहा। हर जगह सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ दिखी। मंदिरों में भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए फूल और बेलपत्र चढ़ाते दिखे। पूरे भक्ति भाव से लोग बाबा भोले की पूजा अर्चना करते दिखे। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सावन के सोमवार का व्रत रख भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक पूरे विधि विधान से करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। खास बात यह है कि इस बार सावन के चारों सोमवार पर शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में सावन के बाकी बचे सोमवार पर भी शुभ भक्तों का ऐसा ही उत्साह देखने को मिलेगा। अब बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल टैली पर भी एक नजर डालते हैं। भारत पदक तालिका में छठे स्थान पर है। भारत ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया। कुल 6 मेडल भारत के नाम है। फिलहाल 22 गोल्ड, 14 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज के साथ ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड, फिर न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका दूसरे, तीसरे और चौथे पायदान पर है। चलिए अब आपको दिखाते हैं बोलीविया के गो कार्ट रेस का नजारा। बिना इंजन की कार्ट रेस में हर उम्र के रेसर ने हिस्सा लिया। इस अनूठी रेस का गवाह बनने मानो पूरा शहर सड़कों पर किनारे जमा हो गया। जी हाँ, नजारा देखने वाला था क्योंकि बोलीविया में ये रेस साल 1950 से आयोजित की जा रही है। इस बार 500 टीम्स ने इस रेस में शिरकत की। इस प्रतियोगिता में बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप ने भी शिरकत की। ये नजारा है बोलीविया के लापास शहर का, जहां होने जा रही है इंजन लेस गो कार्ट रेस। खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता में हर एज का रेसर मौजूद है। इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हर प्रतिभागी का उत्साह देखते ही बनता है। 1965 में मैंने पहली बार इस रेस में हिस्सा लिया था, तब इस कार के साथ मेरा पहला अनुभव था। 1950 से इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस बार 500 बच्चों ने गो कार्ट रेस में हिस्सा लिया है। इस अनोखी प्रतियोगिता में माता पिता कार्ट धकेल रहे थे और बच्चे ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। इन प्रतिभागियों के बीच गजब का तालमेल देखने को मिला। ये काफी अच्छा अनुभव रहा। हमने इस प्रतियोगिता का खूब लुत्फ उठाया। 3 दिन से मैं और मेरा बेटा इस पर काम कर रहे थे। उसने कार्ट पेंट किया, मैंने ब्रेक फिक्स किए। जब आप रेस में होते हैं तो ये काफी मुश्किल होता है, लेकिन ये अच्छा है। जीवन भी बिल्कुल रेस की तरह ही है। मैं इस प्रोजेक्ट में अपने बेटे को सपोर्ट करना चाहता था। इस रेस में 3 कैटेगरी के तहत गो कार्ट को शामिल किया गया। लकड़ी, प्लास्टिक और धातु के वाहनों को इस रेस में जगह दी गई। जाहिर है प्रतियोगिता में शामिल बच्चों और अभिभावकों ने इस रेस का खूब आनंद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखाते हैं। कुदरत जब चुनौती पेश करती है तो इस चुनौती से निपटने का रास्ता हौसले से ही निकलता है। दार्जिलिंग में ऐसे ही हौसले की एक तस्वीर सामने आई है। जी हाँ, हुआ क्या है ये बता देते हैं। दरअसल देखिए, सैर सपाटे के लिए आए 11 छात्र उफनते दरिया में फंस गए, लेकिन फायर विभाग की टीम ने इन सभी छात्रों का रेस्क्यू कर लिया। इस काम में आसपास के लोगों ने भी उनकी सहायता की। हर तरफ उफनती नदी का शो। और दरिया के तेज बहाव में फंसी 11 जिंदगियां। सिलीगुड़ी से 11 छात्रों की टीम दार्जिलिंग में सैर सपाटे के लिए आई थी। ये छात्र धुधिया में बासालन नदी को पार करके दूसरी तरफ घूमने निकले थे, लेकिन तभी अचानक नदी में पानी का स्तर बढ़ गया। पानी बढ़ने से 11 छात्र नदी की दूसरी तरफ फंस गए। आसपास के लोगों ने जब इसकी इत्तला
फायर विभाग को दी तो फौरन फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर डिपार्टमेंट की टीम ने नदी के दूसरे छोर तक रस्सियां पहुंचाई। इस रस्सी की मदद से ही फायर विभाग ने सभी छात्रों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। एक्चुअली सुबह हम कुछ दोस्त लोग कॉलेज फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा घूमने आए थे, तो सुबह में ये पानी इतना नहीं था। एक्चुअली ये पहला वाला जो नदी है, तो हम लोग थोड़ा पिकनिक करने के लिए उस तरफ गए थे और थोड़ी देर बाद वेदर चेंज होने की वजह से बारिश आ गया। बारिश आने की वजह से मैं और मेरा एक दोस्त इस तरफ आए थे कुछ सामान लेने के लिए। आने के बाद हम लोग जा नहीं पाए, तब तक ये सामने वाला जो नदी है उसका पानी थोड़ा बढ़ गया था। कितना लोग फंस गया था? 11 लोग। जब आए थे तब कम बारिश हो रहा था तो पानी भी कम था, तो धीरे धीरे बढ़ता गया तो बढ़ गया, तो हम लोग इधर नहीं आ सके। तो जो लोग हम लोगों को लाने के लिए गए उस लोगों को धन्यवाद बहुत। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोगों ने भी अहम भूमिका निभाई। स्थानीय लोगों की मदद से ही फायर विभाग की टीम सभी छात्रों को सही सलामत निकालने में कामयाब हुई। खबर पाया जे दुधिया नदी में कुछ लोग वाटर लॉक हो गया है। खबर पाने के साथ साथ में हम लोग आया, अपना जिनिस पत्र अप्लायंसेस लेके यहाँ आके देखता है वो पार में कम से कम 11 बच्चा लोग फंसा हुआ है। उसके बाद में मैंने हम लोग ट्राई किया, पहले तो थोड़ा टेंशन हुआ था, बाद में हम लोग चेष्टा करते करते उन लोगों को रेस्क्यू करने सफल हो गया। लोकल ने बहुत कोऑपरेट किया, लोकल दुधिया का जितना भी लोकल पीपल है, हम मैंने तय दिल से हम धन्यवाद देने चाहते हैं मटिगढ़ा फायर ब्रिगेड की तरफ से। उन लोग का वजह से हम लोग सफल हो पाए रेस्क्यू करने में एक बच्चा लोग को, 11 जो बच्चा फंसा हुआ था। पहले तो पुलिस प्रशासन आया, ठीक है, जब 11 बच्चा फंसा हुआ था पहले हम लोग ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो पुलिस ने फिर फायर ब्रिगेड को मटिगढ़ा फायर ब्रिगेड के, तो जब फायर ब्रिगेड आया तो यहाँ का जो जितना भी लड़का लोग था, हमारा 8-10 लड़का लोग था, उस मतलब उस सब मिल के पुलिस प्रशासन आपको और फायर ब्रिगेड और यहाँ का जो लोकल लड़का लोग मिल के बच्चा लोग को रेस्क्यू किया। खुद को महफूज पाकर सभी छात्रों ने राहत की सांस ली। फायर विभाग ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन से हौसले की मिसाल कायम की है। रेस्क्यू ऑपरेशन जता रहा है कि अगर हौसला बरकरार हो तो कुदरत की चुनौतियों से निपटना मुश्किल नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको खूबसूरत वादियों में लिए चलते हैं। तस्वीरें ऐसी है कि एक बार देखेंगे तो मन करेगा फौरन वहां चले जाएं। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा की और बात हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुलजार होने वाली टेंट कॉलोनी की। इस कॉलोनी से सरहद पर पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। बांदीपुरा के बाशिंदों को जिंदगी में आगे बढ़ने की नई दिशा मिली है, जिनके पास आजीविका चलाने का साधन सिर्फ यही है, जो पर्यटकों की खातिरदारी के साथ अपनी संस्कृति और परंपरा को पुनर्जीवित कर रहे हैं। धूप से नहाती पहाड़ों की चोटियां, हर तरफ हरियाली, ठंडी हवा का झोंका, शांत माहौल में घुलती नदी की लहरों की आवाज, यह धरती के स्वर्ग का नजारा है जिसके आकर्षण से कोई नहीं बच सकता है। यह धरती की जन्नत में खुशियों की सुबह है, जहां न तो अविश्वास के बादल हैं, न ही आशंकाओं का बसेरा है। यहां रहने वालों के जिंदगी के मायने बदल रहे हैं। सरकार और सेना की सोच को जमीन मिलने लगी है, जिसका सीधा फायदा गुरेज के वाशिंदों को मिल रहा है, जिन्होंने सरहद के इस खूबसूरत किनारे पर उम्मीदों का ठिकाना बनाया है। सीमावर्ती इलाकों में पर्यटन बढ़ने के साथ साथ आम लोगों की जिंदगी में भी खुशियां आ रही है। दरअसल सीमावर्ती इलाकों में बॉर्डर टूरिज्म के लिए किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है और यही कारण है कि स्थानीय लोग इन इलाकों में खूबसूरत और दिलकश जगहों पर टेंट सिटीज लगाकर पर्यटकों के लिए अकोमोडेशन और दूसरे साधनों की जरूरत भी पूरी करते हैं और उसमें अच्छा मुनाफा भी इनका हो रहा है।
सेना की पहल से जिला बांदीपोरा के गुरेज में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत गुरेज के रहने वाले लोगों को रोजगार मिले हैं, जिन्होंने सरहद के इस खूबसूरत इलाके में घरेलू पर्यटकों के ठहरने के लिए टेंट कॉलोनी बनाई है, खाने पीने के साथ जरूरत की चीजों का प्रबंध किया है ताकि पर्यटकों को किसी भी तरह की समस्या न हो। पिछले एक साल से एक कैंपेन मोड में वहाँ टूरिज्म को प्रमोट किया और टूरिज्म को प्रमोट करने का नतीजा ये रहा कि आज हम देखते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड जो हमारा टूरिस्ट फुटफॉल वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, टूरिस्ट का नंबर बहुत ज़्यादा है और इकोनॉमी भी जो है लोगों का जो रोज़मर्रा का रोज़गार है जो बाकी चीज़ें हैं वो उससे बहुत पॉजिटिवली इफेक्ट हो रही हैं और बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पे लोगों की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। गुरेज के लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने की सुंदर राह मिलती है। जो अब तक अपने घरों में बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे उन्हें काम करने का मौका मिला है। जो इस पेशे से जुड़कर पर्यटकों की सेवा में लगे हैं और हर किसी से यही गुजारिश कर रहे हैं कि लोग एक बार जरूर गुरेज घूमने आए। गुरेज के लोगों को बहुत फायदा पहुंचा, जैसे कि मैं एक बेरोजगार था और मैंने यहाँ पे अपने टेंट लगाए हैं, मैंने यहाँ पे 30 टेंट लगाए अपने, जैसे कि श्रीनगर से लोग आते हैं, बांडीपोरा से लोग आते हैं, यहाँ पे जितने भी होम स्टे खोले गए हैं अभी उन लोगों को भी फायदा है, एक रोजगार कमाने का एक जरिया मिल गया। इससे पहले हम मतलब घरों में बैठे होते थे, कोई रोजगार का कोई साधन नहीं था, जब से ये कदम उठाया अली साहब ने उठाया तब से यहाँ मतलब बेरोजगारी में बहुत थोड़ा मतलब यहाँ के बेरोजगार लोग जो है वो अब मतलब उन्होंने टेंट कॉलोनीज खड़ा कर दी और बाकी ट्रैकिंग और बाकी जगह, तो मतलब बहुत अच्छा हो रहा है कि मतलब अपना रोजगार कमाने का एक जरिया मिल गया लोगों को। सरकार और सेना के प्रयासों से ही ये संभव हो सका है कि घाटी की पुरानी संस्कृति और परंपरा को फिर से जिंदा करने का मौका मिला। पुराने लकड़ी के ढांचों से बने मकानों को पुनर्जीवित किया जा रहा है ताकि प्रकृति की इस खूबसूरत वादी में आने वाला हर पर्यटक यहाँ बार बार आए। अशरफ वानी, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको जरा त्रिपुरा लेकर चलते हैं, जहां पर आदिवासी महिलाएं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करते हुए पारंपरिक परिधान बना रही हैं। इसे बढ़ावा देने की मुहिम शुरू की गई है, सरकार की तरफ से प्रोत्साहन भी इसको काफी मिल रहा है। दरअसल त्रिपुरा सरकार ने वोकल फॉर लोकल योजना के तहत त्रिपुरा की परंपरागत परिधानों को बढ़ावा देने की पहल शुरू की है। बारीक धागों को पिरोकर सुंदर पोशाक बनाने वाली आदिवासी महिलाएं सदियों से अपने हाथों के हुनर का कमाल दिखा रही हैं। परंपरा के धागे जब हुनरमंद हाथों से बुने जाते हैं तो परिणाम कुछ ऐसा सामने आता है, बेहद खूबसूरत, बेहद आकर्षक, कमाल की बारीक कारीगरी। यहाँ त्रिपुरा का पारंपरिक पहनावा तैयार किया जा रहा है। त्रिपुरा की पारंपरिक महिला पोशाक में तीन हिस्से होते हैं, रीसा, रिग्नोई और रिक्तु। रीसा हाथ से बुना गया शॉल नुमा एक कपड़ा होता है, ये किसी महिला के ऊपरी वस्त्र के रूप में इस्तेमाल में आता है। किसी शॉल की तरह रीसा को शरीर के चारों ओर लपेट लिया जाता है। रिग्नाई को मुख्य रूप से निचले वस्त्र के रूप में पहना जाता है, इसे भारतीय साड़ी का एक स्थानीय किस्म भी कह सकते हैं। त्रिपुरा में आज भी गांव-गांव में इन पारंपरिक परिधानों को हाथ से बुना जाता है। धैर्य और मेहनत के इस काम में ग्रामीण महिलाएं जुटी हैं। सदियों से परिवार में रीसा, रिग्नोई और रिकुतु बनाने की परंपरा चली आ रही है। पुराने जमाने में ये कपड़े घर में काते जाते थे, सूती धागों से बुने जाते थे, लेकिन समय बदलने के साथ अब धागे रेडीमेड मिल जाते हैं। लेकिन उनकी रंग बिरंगी बुनाई आज भी कई घरों में हाथों से यूं ही की जाती है। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के तहत त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा के परंपरागत परिधानों को इंडिया हैंडलूम ब्रांड के तहत प्रमोट करने का फैसला किया है। रीसा, रिग्नोई और रिकुतु अब त्रिपुरा की सीमाओं से निकलकर फैशन की दुनिया में भी पहचान बना रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। फिल्म शौकीनों को बेसब्री से इंतजार रहता है एक फिल्म का, और वो फिल्म है लाल सिंह चड्ढा।
ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। बिल्कुल, आपको बता दें इस फिल्म को लेकर जितना दर्शक एक्साइटेड हैं उतना ही एक्साइटेड फिल्म की लीड रोल एक्ट्रेस यानी कि करीना कपूर खान भी हैं। और इसलिए फिल्म को लेकर अपने दिल की बात उन्होंने गुड न्यूज टुडे के साथ शेयर की। ओए, तू अपना काम कर, वो खुद उठाएगा। किसी से कम नहीं है तू, बाकी बच्चों जैसा ही है। मैं जो किया है वो हमेशा याद रखी। अब कुछ लोग विश्वास नहीं करते पर जिंदगी में चमत्कार होते हैं जी। हाँ, मम्मी कहती थी कि साल था 2000 और उस साल एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रिफ्यूजी और उससे एक खूबसूरत अभिनेत्री हमारे इंडस्ट्री को मिली, उनका नाम था करीना कपूर। आज 2022 है और करीना ने एक लंबा सफर तय किया है और बेबो से करीना तक का सफर। करीना, मुझे याद है जब मैंने आपकी फिल्म देखी थी रिफ्यूजी एंड आई सेड लाइक स्टार इज राइट एंड वेरियस पड़ाव तय करके आज हम लाल सिंह चड्ढा आपकी नई फिल्म रिलीज हो रही है। आई थिंक एक लंबा सफर करीना कपूर ने, बेबो से करीना कपूर ने तय किया है। हाउ डू यू लुक एट दिस जर्नी? आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द फिल्म्स आई हैव एक्टेड इन। आई एम ऑलवेज वांटिंग टू लर्न एंड हर एक डेकेड में, हर एक इरा में, हर एक साल में ट्राई टू ऑलवेज इवॉल्व। अलग अलग पिक्चरें करने की कोशिश की है, अलग अलग रोल्स उठाने की कोशिश की है। आमिर के साथ ही मैंने तलाश और थ्री इडियट्स की एंड लाल सिंह इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम तलाश एंड थ्री इडियट्स। इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम, ऑल्सो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स है। सो आई थिंक दैट आई हैव बीन वेरी लकी ऑल्सो एंड इस बार लाल सिंह में आमिर के साथ काम करने का मौका मिला इन सच एन इम्पॉर्टेंट फिल्म, एन आइकॉनिक फिल्म लाइक फॉरेस्ट गंप। सो इसमें जो किरदार है रूपा का, आई थिंक इट्स क्वाइट अमेजिंग बिकॉज शी इज इन फैक्ट गॉट द लॉन्गेस्ट आर्क इन द फिल्म, क्योंकि उनके बहुत ही लेयर्स है कैरेक्टर के। सो इट्स बिन वेरी नाइस एंड वेरी डिफिकल्ट टू प्ले बट आई होप पीपल लाइक इट। आमिर खान एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, ही इज अ परफेक्शनिस्ट नोन टू बी। आपने तो दोनों के साथ तीसरी फिल्म है, तो व्हाट काइंड ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट काइंड ऑफ यू नो ए कंफर्टनेस यू शेयर विद हिम? नहीं, आई थिंक आमिर को तो मैं लाइक आई हैव नोन हिम सिंस आई वाज 12 इयर्स ओल्ड। आई मीन इट्स ऑलमोस्ट अ 30 ईयर ओल्ड रिलेशनशिप। ही इज वर्क विद करिश्मा एंड अंदाज अपना अपना, दैट इज द फर्स्ट टाइम आई मेट आमिर। सो तब से लेकर आज तक आई थिंक आई हैव ओनली सीन अ मैन हुज हैड सो मच डेडिकेशन, सो मच ग्रोथ, सो मच करेज। आई थिंक आमिर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो अपने आप को कभी नहीं दिखाता स्क्रीन पे। आई थिंक ही इज ऑलवेज बिन प्लेइंग हिज कैरेक्टर्स एंड दैट सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम एवरीवन एल्स। एंड आजकल लोग तड़पते हैं कि हमें कैरेक्टर प्ले करना है, हमें कैरेक्टर। बट आमिर खान ने तो राग से लेकर लाल सिंह चड्ढा तक कैरेक्टर ही प्ले किया है। थैंक यू सो मच करीना, सच अ प्लेजर ऑलवेज एंड आई एम श्योर लाल सिंह चड्ढा विल अगेन बेबो को फिर से, करीना और बेबो का जो हम जानते हैं वो एक बार फिर से एक नए अंदाज में रूपा के रूप में देखने को मिलेगी। ऑल द बेस्ट, सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू।